हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है यूजेस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या हैं। तो जो मैंने ये पॉइंट आउट किए हुए हैं, इनके आगे पॉइंट लिखे हैं, जो मेन मेन पॉइंट हैं एल्डिहाइड कीटोन के, जो मेन यूजेस हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इनमें इन केमिकल इंडस्ट्री, तो इसमें देखिए कि ये केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। तो कोई भी मान लो कि मैंने कंपाउंड मिक्स करना है इसमें, तो एज अ सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है कि इसको बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए यूज़ किया जा सकता है कि उनको प्रिजर्व किया जा सके। फॉर्मलिन ना का एक कंपाउंड बनाया जाता है जो कि 40% हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का बनता है। 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन एक बनता है, उसे फॉर्मलिन बोलते हैं। तो इसको बायोलॉजिकल स्पेसिमेन या बायोलॉजिकल जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं या कोई एनिमल्स हैं, तो उनको प्रिजर्व करने में ये हेल्प करता है, ताकि जो उनकी या बॉडी जो डिके ना हो, तो किसी भी स्पेसिमेन की जो बॉडी है वो डिके ना हो। तो इसको बेकेलाइट वगैरह बनाने में भी हेल्प होती है। बेकेलाइट क्या होता है हमारे पास? सो बेकेलाइट का मतलब है कि हम बेकेलाइट को यूज़ करते हैं कि कोई फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। बेकेलाइट बेकेलाइट यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में, क्रॉकरी वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हमारे पास? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ग्लू और पॉलीमरिक पॉलीमर बनाने में काम आता है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यूरिया का, फॉर्मेल्डिहाइड को यूरिया के साथ यूज़ करेंगे तो ग्लू एंड पॉलीमरिक प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एस्टाल्डिहाइड। एस्टाल्डिहाइड जो है वो यूज़ किया जाता है हमारे पास टू प्रिपेयर द एस्टिक एसिड। हमें क्या बनाने होते हैं? एस्टिक एसिड बनाए जा सकते हैं, और एस्टिक एसिड जैसे उसे हम विनेगर भी बोलते हैं। तो आपको विनेगर के यूसेस तो पता ही है, ये फूड प्रोडक्ट में जैसे नूडल्स हो गए, और बहुत सारे जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, चाइनीज़ फूड है, उनमें भी यूज़ किए जाते हैं। तो कोई इंडियन फूड डिशेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो विनाइल एसिटेट ये भी यूज़ किया जाता है बहुत से जो है फूड प्रोडक्ट में। तो बेंजाल्डिहाइड जो है वो यूज़ किया जाता है परफ्यूम एंड डाइज बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और एसीटोन हो गया, मिथाइल कीटोन जो है वो हमारे पास कॉमनली यूज़ होता है एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो वो ट्रायल एल्डिहाइड, वेनलिन, एसिटोफिनोन, ये सभी बहुत ही अच्छे टेस्ट होते हैं और इनकी स्मेल भी अच्छी होती है। इनको फूड प्रोडक्ट में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आइसक्रीम में हो गया, क्रीम्स में हो गया, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज वर आर अबाउट द यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।